डियर स्टूडेंट, बेस टेक्निकल एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईएमएफ कैसे अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो चलो ईएमएफ जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि पोल की संख्या जो है चार पोल हो सकता है, सिक्स पोल हो सकता है, टू पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ऐसा माने लेट नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू की पी। और मान लिया जाए फ्लक्स कट बाय कंडक्टर जो है, फ्लक्स पर पोल इज है फाइव। मान लिया जाए फ्लक्स पर पोल जो है ये कितना है बताइए, फाइव। मान लीजिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है एफ है, ऐसा कुछ मान लिया सर। अब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ मान लिए हैं। अब देखो हम लोग ऐसा जानते हैं देखो ना, ध्यान देना, वी नो, हम लोग ऐसा जान रहे एन बराबर कितना होता है, 120 एफ बटा में पी होता है सर। एफ बराबर क्या हो जाएगा बता दो, पी एन बटा 120। यहाँ पर एन जो है से क्या है, एन बराबर जो है स्पीड है, इन किस में है, आरपीएम में है। आरपीएम मतलब क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट में है। यहाँ से बता दो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एन बाई कितना होगा, टू गुने कितना होगा, 60 होगा। अब देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन पर मिनट और अगर हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकाले तो मिनट को क्या करना पड़ता है बताओ, 60 से गुना करना पड़ता है। तो यही हमारा, अगर इसको 60 ही अगर ले तो क्या हो जाएगा, आरपीएस में हो जाएगा। तो ये जो होगा ये n बाई 60 को हम लोग फॉर एग्जांपल स्मॉल n ले लेते हैं, पी एन बाई कितना, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ बताओ वेयर स्मॉल n क्या बताइए, स्पीड है, इन किस में बताइए, आरपीएस में है। आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड में है, आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझे, यानी कि हम लोग देखो यहाँ से हमारा 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एन। ये रिलेशन हो गया कि पी एन इक्वल टू कितना हो गया आपको, 2f के बराबर हो गया, पी एन बराबर 2f हो गया। ये रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे ईएमएफ निकालने में, रिलेशन को यूज करेंगे, इसलिए हम इतना बेसिक बात कर ली है। अब हम ईएमएफ का बात करते हैं कैसे सर निकालेंगे। देखो हम बात करते हैं, मान लीजिए ये मशीन है, फॉर एग्जांपल टोटल पोल की संख्या कितना है सर बताइए, चार पोल की संख्या है। कितना पोल है मान लिया जाए, चार पोल है, ठीक है। हाउ मेनी पोल्स आर देयर, चार पोल है, ठीक है। मान लीजिए कि फ्लक्स पर पोल जो है ये मान लीजिए यहाँ पर कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, एक हमारा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। यहाँ से मान लीजिए फ्लक्स फाई आ रहा फ्लक्स, ठीक है। अब देखो हमारा फ्लक्स फाई आएगा कि जैसे जैसे रोटेट करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कंडक्टर है, एक बार काटेगा तो इसको फाइव होगा, ऐसा सा चार पोल है चारों काटेगा तो कितना होगा, 4 × 5 होगा, दो पोल रहेगा तो कितना होगा, 2 × 5 होगा। बात समझ रहे हैं, यानी जितना पोल होगा उतना इंटू क्या होगा, 5 होगा। हम लोग पोल की संख्या को मान लीजिए पी मान लीजिए वेरिएबल है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ द अल्टरनेटर, कितना स्पीड के लिए है, ये सब पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या होगा बताइए, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन किस में बताओ भाई, इन वन रिवॉल्यूशन। यानी कि एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए कि 5 फ्लक्स है, यहाँ पर मान लीजिए कंडक्टर है, एक बार घूमेगा तो देखो यहाँ पर भी फ्लक्स है, यहाँ भी फ्लक्स है, यहाँ भी फ्लक्स है, यहाँ भी फ्लक्स है, मान लीजिए चार पोल के लिए है, तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, 4 × 5, यानी कि जितना पोल होगा उतना इंटू 5, तो मान लीजिए कि कितना होगा, पी इंटू कितना होगा, 5। यहाँ तक बात समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये जो है सर बेसिकली कितना हो गया सर, फ्लक्स कट बाय डी फाई इक्वल टू क्या होगा, पी फाई। अब हम बात करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन। ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय वन कंडक्टर कितना सर, वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, d5/dt। d5 इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं सर, p5 और dt, एक रिवॉल्यूशन में मान लीजिए टाइम t लगा, और रिवॉल्यूशन टाइम पर रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये जो फ्लक्स कट बाय एक रिवॉल्यूशन के लिए, तो टाइम भी कितना लेंगे, एक रिवॉल्यूशन के लिए लेंगे। यहाँ से बता दो इसको क्या लिख सकते हैं, p5 इंटू रिवॉल्यूशन
बाई में कितना लिखेंगे बताओ सर, टाइम। इतना लिखेंगे हम लोग, इंटू क्या, रिवॉल्यूशन इंटू कितना लिखेंगे सर, टाइम लिखेंगे। इतना तक बात समझ में आएगा कि नहीं आया? अब देखो रिवॉल्यूशन टाइम, टाइम का यूनिट क्या बताइए, सेकेंड है। ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, जिसको बोलेंगे क्या आरपीएस, इसको क्या बोलेंगे हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग आरपीएस, आरपीएस बोलेंगे। अगर इसको आरपीएस बोलेंगे तो इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, पी फाई एन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। स्मॉल एन क्या है, स्पीड है, स्पीड इन किस में है, आरपीएस में है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। जब इतना हम लोग लिख ही सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो आप देखो हमारा ध्यान देना है क्या लिखेंगे इसमें। देखो ये हमारा पी एन इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, इसको मान लो कि इक्वेशन वन मान लें, फ्रॉम वन पुटिंग वैल्यू ऑफ पी एन इक्वल टू टू एफ अगर पुट करेंगे तो ई एम एफ इंड्यूस्ड जो हो जाएगा बताइए कि कितना के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पुट कीजिए ई एम एफ को, तब देखो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखो हमारा, इसको इधर से मिटा रहे हैं थोड़ा सा हम, देखो मिटा रहे हैं। अब देखो हमारा, अगर हम पुट कर देंगे तब देखो क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी एन बराबर कितना, 2f पुट कर सकते हैं सर, 2f पुट कर देंगे इन केस में बताइए, इन इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इन इक्वेशन नंबर कितना 2 में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे तो बता दो emf इंड्यूस्ड बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन, ये emf इंड्यूस्ड वन कंडक्टर क्या हो गया बताइए, एवरेज emf हो गया, क्या हो गया सर, एवरेज emf पर कंडक्टर हो गया, ठीक है। ये जो हो गया सर आपका emf इंड्यूस्ड बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, पी फाई एन है, पी एन के जगह पर कितना पुट करेंगे, 2f इंटू कितना हो जाएगा 5, ऐसा क्यों, चूंकि पी एन इक्वल टू क्या है सर 2f है, ऐसा पुट किए। ये क्या होगा बताइए, एवरेज emf इंड्यूस्ड है, ये क्या बताइए, एवरेज emf इंड्यूस्ड, ये जो है एवरेज emf पर कंडक्टर है, ये जो है आपका एवरेज emf पर कंडक्टर, एवरेज emf पर कंडक्टर कितना हो गया 2f इंटू 5 हो गया सर। अब हम बात करते हैं, कोई भी क्वाइल होगा, क्वाइल के बारे में पहले समझो, क्वाइल के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि कोई भी क्वाइल होगा एक टर्न्स का पहले हम बात करते हैं। अगर हम एक टर्न्स का बात करेंगे एक टर्न्स में कितना कंडक्टर, एक टर्न्स है, एक टर्न्स में कितना, ए वाली हो गया कंडक्टर वन और ये जो हो गया सर क्या कंडक्टर टू हो गया सर। अगर हम एवरेज emf पर कंडक्टर बात कर रहे हैं तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा बताइए, वन टर्न हो जाएगा। तो पर टर्न्स में बताइए कितना कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए इतना, तो दो कंडक्टर के लिए कितना, दो से गुना कर देंगे। अगर हम बात करें आपसे एवरेज emf पर टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2f5 बराबर कितना हो जाएगा 4f इंटू कितना हो जाएगा 5। इतना तक बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक बात समझ में आ गया। अब आगे मिटाते हैं, आगे मिटाने के बाद हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा ध्यान दो, इधर से मिटा रहे, अब हमारा क्या करना है देखिएगा, इतना तो हमको मिल गया, इतना अगर मिल गया, हम लोग ऐसा जानते हैं साइनोसोडल वेव के लिए बेसिकली ईएमएफ कैसा जनरेट होता है, साइनोसोडल जनरेट होता है, एसी जनरेट होता है, कहाँ जनरेट होता है सर, आर्मेचर कंडक्टर में। अरे हम किस कंडक्टर का बात कर रहे हैं, तो आर्मेचर कंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ईएमएफ होगा कैसे, साइनोसोडल होगा। अगर हम बात करेंगे फॉर साइनोसोडल के लिए बात करेंगे तो हमारा एक वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर, एक चीज़ होता है क्या, फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बताइए, आरएमएस वैल्यू बटा में क्या होता है बताइए, एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू बटा में क्या, एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितना होगा, बीएम अपॉन कितना, रूट टू। एवरेज वैल्यू कितना होगा बताइए, 2bm बटा कितना, 5 होगा। यहाँ से देखो अगर हम बात करें bm से bm, देखो हमारा क्या होगा, इस तरीके से बात करेंगे। यहाँ फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा सर, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू
फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा पाई डिवाइड बाय टू रूट टू, मतलब 3.14 डिवाइड बाय 2 गुने 1.414 होगा। इसको करिएगा तो 1.11 आएगा। अगर ये आपका 1.11 आएगा तब देखिए क्या होगा। अब ये आरएमएस बटा एवरेज है 1.11, एवरेज आपको मालूम है तो आरएमएस मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से बता दो आप कि आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1.11 इंटू एवरेज क्या होगा, ईएमएफ पर टर्न। यहाँ तक बात समझ में आया सर कि नहीं समझ में आया? एक टर्न्स के लिए अगर आपको एवरेज वैल्यू मालूम है तो ये भी मान के चलिए कि आपको क्या आरएमएस वैल्यू भी आपको मालूम है, ठीक है। 1.11 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, ये जो होगा 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो ये क्या होगा बताओ, 1.11 इंटू ये कितना बताइए, 4f इंटू कितना 5, देखो क्या होगा 4.44 f इंटू कितना हो जाएगा 5। ये मान लीजिए कि एक टर्न्स के लिए बात की, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा टी टर्न्स है, मान लिया जाए कि पूरा टर्न्स का अगर हम बात करें, मान लीजिए कि टी टर्न्स है टोटल, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न्स पर फेज बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज का बात करेंगे, अगर हम पर फेज का बात करेंगे ईएमएफ, तो एक फेज में कितना टर्न्स हो सकता है, टी टर्न्स मान लिया जाए, तो कितना से गुना कर देंगे, इतना इक्वल टू हम लोग 4.44 एफ 5 इंटू टी फेज बात करेंगे, यानी कि ईएमएफ जो होगा ये किस में आएगा बताइए, पर फेज होगा। ईएमएफ क्या होगा बताइए, पर फेज होगा। ईएमएफ पर फेज जो हम लोग निकालेंगे कितना होगा, 4.44 एफ 5 इंटू टी फेज के बराबर होगा। जहाँ पर सर टी फेज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, एक फेज में कितना टर्न्स है उसके बराबर हम लोग है टी फेज। वेयर टी फेज इक्वल टू क्या है बताइए, वेयर टी फेज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। देखो ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आता है, ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। इस पूरा जितना ही बताएं इसको देख लेना, साथ ही साथ इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे। कुछ फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स को हम लोग पहले देख लेंगे, जैसे कि पिच फैक्टर है, वाइंडिंग फैक्टर है, सबको देखने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इससे भी, और उससे सारा लिंक करके क्वेश्चंस आपको आता है। क्लियर है? यहां तक बात हम आशा करते हैं कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से समझ करके इसको लिखिए। फिर हम लोग आगे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, पिच फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर जो भी है, ये हमारा कॉइल स्पैन फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।